ऐसा नहीं होए सर ढंग से गुड मॉर्निंग ओके सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेरी गुड सर्विसेज टैक्स कनेक्ट करना बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम पढ़ रहे बेटा सर हमने अब तक पढ़ा क्या सेक्शन में नाइन जीएसटी में लेवी वाला सेक्शन सेक्शन नंबर ना नाइन सब सेक्शन वन बोलता है क्या सी जी विल बी लेविड जल्दी सर कल जो हमने बड़ा, बात करी बेटा सी जी बी लेविड लेवी कब होता है बेटा आ, अथर्व देखना ऑनलाइन में थोड़ा वॉइस कम आ रहा है क्या देखना इधर ऑनलाइन में हाँ वॉइस बढ़ा देना ऑनलाइन वालों का सर सुना बात कुछ से सर सी जी बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई देना सर जब सर जब भी रिवीजन में कराता हूं किसी कर पॉइंट का डेफिनेटली वो रिवीजन है बेटा हाँ ना आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यह रहेगा तो आपको वर्ड समझ में आएंगे क्लियर समझे मेरी बात थोड़ा सा भी ध्यान सावधानी हटी दुर्घटना घटी क्लियर समझे मेरी बात तो रिवीजन में पूरा फोकस यह होना चाहिए क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली रिवीजन विल भी थोड़ा सा फास्ट तभी आपके कंट्रोल में चीज आएगी बेटा ठीक है सर ध्यान देना बेटा मालिक सी जी एस क्या सर सी जी एस टी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्को लीकर फॉर ह्यूमन कंजन एट द रेट नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल सर जो वीडियो क्लास में देख रहे हैं प्लीज आपकी भी आवाज आनी चाहिए सुन रहा है सर क्लियर मैं नहीं तो क्या हो गया ऊपर वाला तो देख ही रहा है आपको हर हाँ ना भाई तो सर लेव लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन एट द रेट नोटिफाइड बाई द रिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी काउंसिल बट नॉट मोर देन ट्वेंटी ऑफ वोट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड इट शेल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन कौन पे करेगा बेटा और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड हा मालिक क्लियर yeah. वो होता है कौन टैक्सेबल पर्सन क्लियर और टैक्सेबल पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा भले उसने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन करायाट केयर याद आया बेटा पॉइंट

एट प्रेजेंट छुट से घूम लो झूम लो क्लियर जिन पे जीएसटी लगेगा सर जीएसटी नहीं लगेगा इनमें से पांच गुड्स से लगेगा बट गवर्नमेंट बताएगी तब लगेगा बच्चा है हाँ ना भाई क्लियर इसलिए एट प्रेजेंट इन पे जीएसटी लेवी ही नहीं होता इसलिए इनको बोलते हैं क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्लियर पका डन सर सेक्शन नाइन थ्री रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एग्जांपल क्या डॉन के केस में कौन लायबल है

नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में बिल्डर जो रजिस्टर्ड है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आर सी एम रिवर्स चार्ज क्लियर सर फिर आता है क्या सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फाइव ओला उबर अरे हायना भाई स्विगी जोमेटो सर ओयोरूम हायना भाई यस yes. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिए और मैंने वहां आपको बताने की कोशिश करी कि सर यहां पे सर कुछ सर्विसेज नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने कितनी बेटा पांच एट प्रेजेंट फाइव सर्विसेज है हो सकता है गवर्नमेंट बाद में जाके बड़ा भी दे बेटा कुछ कुछ कम भी कर दे बेटा ठीक है सर एट प्रेजेंट पांच सर्विसेज नोटिफाइड है एंड इन केस ऑफ दो सर्विसेज अगर आपने वो सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है

ठीक है, क्लियर डन आप मुझे बताओ हुए एग्जाम्पल सारे के सारे आपके याद हुए कि नहीं हुए रिवाइज हुए कि नहीं हुए पूरा सेक्शन नाइन खत्म होता है अब सर सर जो सेक्शन नंबर नाइन है सी एक्ट में वही सेक्शन नंबर फाइव है कहा आई एक्ट में क्लियर यहां इंटर स्टेट है वहां इंटरस्टेट है यहां मैक्सिमम रेट ट्वेंटी परसेंट है वहां मैक्सिमम रेट फोर्टी परसेंट है अरे क्लियर सर वहां पे बस एक सेक्शन में फाइव एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा दे रखा है वो बोलता है क्या कि कभी भी कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम तो लगता है लगता है कस्टम के साथ में जीएसटी भी लगेगा बेटा हा है ना क्लियर बाकी फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव एब्सोल्यूटली सेम क्लियर समझे मेरी बात सर धन देन देना इंटरास्टेड हो या इंटर स्टेट हो सी हो या एसजीएसटी हो या आई हो बेटा देखो जहां सी लगा लगा वहां एसजीएसटी लगेगा है लगेगा कंफर्म बात है, हाँ है ना क्लियर सर अगर आप पंजाब में हो बेटा जैसे अमृतसर में लोग देख रहे हैं सर तो सर आप अगर पंजाब में लोकेटेड हो गुड्स आपने पंजाब से पंजाब में ही सप्लाई किया तो ऐसे केस में सी प्लस पंजाब एसजीएसटी लगेगा बेटा जितना सी जीएसटी उतना उतना क्या बेटा लगेगा बेटा क्लियर पर महाराष्ट्र से अगर मैंने पंजाब सप्लाई किया है तो वो क्या है इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगा बेटा वो आई और सर इंटर स्टेट सप्लाई के थ्रू मेरे को आई जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स और ध्यान देना बच्चा सी जीएसटी की रेट मान लो नाइन परसेंट है तो बताओ आई जीएसटी की ग्रेट कितनी होगी बेटा आवाज आ रही है सी जीएसटी ग्रेट अगर नाइन परसेंट है तो बताओ आई जी एस टी की कितनी होगी सर होगी हाँ है ना मालिक पक्का प्लस हमने कल बात कर दी क्या सी जी एस टी हो या एस जी एस टी हो दोनों का आई टी सी एक दूसरे में काम नहीं आएगा क्यों नहीं काम आएगा बेटा क्योंकि सी जी एस टी पे किया आपने किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एस जी एस टी पे किया किसको स्टेट गवर्नमेंट को पर सर आई जी एस टी एक यूनिवर्सल ब्लड है बेटा आई जी एस टी एक यूनिवर्सल ब्लड है सब में काम आता है बेटा सबकी हेल्प भी कर देता है और सबसे हेल्प ले भी लेता है तो आपने परचेज पे अगर आई जी एस टी पे किया कोई तकलीफ नहीं है आपके सेल पर लाइबिलिटी आई जी एस टी की हो या सी जी एस टी हो और एस जी एस टी की हो आपने परचेज किया मान लो इंटर स्टेट जैसे पंजाब में जो लोग बैठे उन्होंने महाराष्ट्र से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करी उस पर क्या पे किया बेटा आई जी एस टी अब आपने जो सेल किया है आपने जो सेल किया है वो इंटरेस्टेड करो मतलब पंजाब से पंजाब में सेल करो या इंटरस्टेट करो क्लियर कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अगर विद इन द पंजाब सेल किया है तो सर सीजीएसटी और पंजाब एजीएसटी लगा होगा और अगर आपने पंजाब से किसी और स्टेट बेचा होगा तो क्या लगेगा बेटा आई जीएसटी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सेल पे सीजीएसटी प्लस एजीएसटी जीएसटी लगे या आई जीएसटी लगे आपने परचेस टी पे किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा तभी तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हुआ बच्चों हा है ना भाई क्लियर भारत माता की जय समझ में आया कि नहीं आया सर आवाज रही जो हमने कल पढ़ा था ये पूरा रिवाइज होके खत्म भी हो गया बेटा समझे पता है This is called re Clear? सर? Re -reading और re में फर्क होता है रीडिंग इज फ्रॉम आईज विजन इज फ्रॉम माइंड हाँ है ना भाई पर रिविजन तभी हो सकता है जब विजन हो आपके पास क्लियर और हर टॉपिक का वादा है सर विजन तैयार कर दूंगा मेरी गारंटी सर आपसे क्लियर बस आपका कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए बच्चों क्लियर एंड ट्रस्ट मी माहौल बना दूंगा सर शानदार वाला बेटा क्लियर पर हाँ सर आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए बच्चों ठीक है क्लियर अच्छा ध्यान <coughs> देना सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है पढ़ाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर है तो है कनेक्टिविटी क्लियर टॉपिक वन से लेके टॉपिक एंड तक ऐसा कनेक्ट करूंगा कि चीजें अंदर तक आपका दिल तक समझ में आना चाहिए कि यस मजा आ गया क्लियर सर गारंटी है हाँ है ना भाई बस मेरे को आपका एक ही साथ चाहिए क्या सेम डे जो मैंने पढ़ाया वो सेम डे आपके एंड पर रिवाइज होना चाहिए एंड जब मैं पढ़ा रहा हूं तब पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां रखे बाकी सब काम मेरा है सर क्लियर और केवल एग्जाम तक नहीं जीवन भर का गारंटी सर ठीक है क्लियर पक्का बच्चों बस ध्यान आपका इधर होना चाहिए बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली क्लियर एंड सर जो कनेक्टिविटी में बैठाऊंगा गारंटी हिंदुस्तान में कोई हो जाए तो सर हाँ है ना सर क्लियर पर हाँ पॉइंट क्या है बच्चों पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बेटा ठीक है एंड यस सर जो भी वीडियो क्लास में बैठे बेटा सर क्या होता है आप जो यहाँ मेरे पास फेस टू फेस बैठे हो तो वो तो क्या सब कुछ यहाँ टू फेस बैठे एक अलग कम्फर्ट होता है जो वीडियो क्लास में बैठे उनके लिए अलग कम्फर्ट होता है क्लियर सबकी प्लस माइनस है पर हाँ सर दो तीन दिन लगते हैं दो तीन दिन लगते हैं सर सर आ, आ, मेरी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज मेरा वे ऑफ टॉकिंग आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन सबको मैच होने में दो तीन दिन लगते हैं सर। है हाँ ना भाई? ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर टॉपिक ऐसा लिंक होगा मजा आ जाएगा सर आपको अरे क्लियर एंड है ना भाई क्लियर सर ध्यान देना बच्चों सर इट्स अ ब्लेसिंग कि सर आप देखिएगा uh, देखो सी ए इंटर में तो जज नहीं कर सकते कि क्योंकि सी ए इंटर के अंदर क्या होता है टैक्स का पेपर एक ही होता है डी टी प्लस आई डी टी हाँ ना सी ए फाइनल के अंदर जो हंड्रेड मार्क का पेपर होता है क्लियर हर अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट में यू यूट बिलीव सर लगभग लगभग सर मोर देन सर किसी अटेम्प्ट में सात सौ प्लस बच्चे किसी अटेम्प्ट में आठ सौ प्लस किसी अटेम्प्ट में बारह सौ प्लस बच्चों के एग्जिमिशन आते हैं इन टैक्स में मतलब सिक्सटी प्लस सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट स्टूडेंट्स पर पॉइंट क्या है उन्होंने ट्रस्ट रखा एंड उन्होंने जिस तरह से डायरेक्शन देते हुए मैंने कल भी बात बोली आपको वी आर कोच अल्टीमेटली यू आर दी प्लेयर हा है ना जब आप इतना अच्छा स्कोर करते हो सर जब आपके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं रैंक आते हैं तब हम सक्सेसफुल खिलाते हैं बेटा तब एक्चुअली हमको खुशी मिलती है सर मॉनेटरी कंसल्टेशन तो ठीक है मोटिवेशन मिलता है हमारा घर परिवार से चलता है बच्चों पर सर जो होता है ना एक जॉब सेटिस्फेक्शन एक जोश मिलता है ना सर उनको वो आपकी सक्सेस से मिलता है सो काइंडली सर बी हियर ओनली पूरा ध्यान आपका इधर रखे एंड सर ध्यान देना बच्चों सर ये जो स्कोर बच्चों को बनता है क्लियर इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट का ये स्कोर बन ही सकता कारण क्या है सर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर जिस लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सर ये 14 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस में झोंक देता हूं पढ़ाने में सर आपके लिए क्लियर सर इसलिए उस एक्सपीरियंस को आप यूज करें एंड उस एक्सपीरियंस का मजा ले सर हाँ है ना और हाँ कोई लोड लेके नहीं पढ़ना हंसते हंसते पढ़ना मस्त क्लियर समझा मेरी बात सो प्लीज बी फोकस्ड हियर एंड माहौल सर ध्यान देना बच्चों इन केस ऑफ जीएसटी क्या सर इन केस ऑफ जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो क्या हो सर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो जीएसटी लेवी कब होता है सर आवाज नहीं आ रही सबकी सर सर इंटरेस्टेड हो या इंटर स्टेट हो लेवी कब होता है सर पक्का हंड्रेड परसेंट ओके तो सर इंट्रा हो या इंटर हो वट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई तो सर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा सप्लाई नहीं होगा जीएसटी नहीं लगेगा तो सबसे पहले सर आगे की बातें पढ़ने से पहले लेवी कब होता है जीएसटी बेटा आवाज नहीं लेवी कब होता है सब सप्लाई पर तुमको ये तो समझना पड़ेगा ना यार सप्लाई क्या होता है क्लियर तो चलिए सेक्शन नंबर यारी एस टी एक्ट ने डिफाइन किया किसको द टर्म सप्लाई को शुरू करेगा बेटा बात को पक्का हंड्रेड परसेंट इन सब जो भी वीडियो क्लास में प्लीज सर आपको भी मेरे साथ बोलना है बेटा ओके क्लियर आपको मेरे साथ बोलना है बात खत्म आप भूल जाइए आपके आसपास कोई बैठा है आप भूल जाइए सर कि आप सर कुछ और काम कर रहे हो बस आपका एक ही बात सर आप उनके साथ में बैठे और बात कर रहे हैं सर ओके प्लीज बी फोकसडियर और आप मेरे साथ बोलिए बेटा हा है हाँ ना भाई क्लियर तो सर एडेड एडवांटेज एडेड एडवांटेज पूरा आपको मिलेगा बेटा ओके okay. सरकार सुनना बात ध्यान से इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला मालिक सप्लाई द टर्म सप्लाई सर ये हमने कल बात करी थी यहां तक बच्चा ठीक है हम आगे अब कहा सेक्शन नंबर सेवन सप्लाई द टर्म सप्लाय इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर सेवन हा ना भाई अच्छा ध्यान देना बच्चों सर <coughs> मैंने आपको अभी एक बात बोली कि लगभग लगभग एवरेज थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स के सीए, लेवल, पे, सीए लेवल पर सीए लेवल पर एक्शन आता है इससे क्या मैसेज देना चाहूं सुना है मेरी गारंटी टॉपिक वन से लेकर लास्ट तक मैं सारी चीजें कनेक्ट कर दूंगा आपके लिए बेटा क्लियर बिल्डिंग जब बनती है ना बेटा तो बनते हुए बिल्डिंग को देखो लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है ये बन बिल्डिंग बन जाएगी ना लगता है क्या शानदार बिल्डिंग बनी बेटा हा है ना भाई क्लियर तो टॉपिक वन से लेकर एंड तक जब कनेक्ट होगा ना सर आपका तब आपको लगेगा और भाई ये क्या हो गया ठीक है दूसरी बात सर गारंटी है सर ये सब्जेक्ट ऑल दो फिफ्टी मार्क्स का है सर बट सर अगर आपने ध्यान से यहां सुना है और जिस तरह से मैं डायरेक्शन देता हूं उस डायरेक्शन को अगर आपने फॉलो किया है मेरी गारंटी है इस सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए बना दूंगा सर मैं ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग भी हा है हाँ ना सर क्लियर समझे बात एग्जाम्स में भी आपके आंसर कोई भी क्वेश्चन अपने आप आंसर आएगा सर इतना लेवल तक पहुंचा दूंगा हाई है ना सर क्वेश्चन पढ़ते आंसर आपको आएगा ये मेरी गारंटी है और यह अभी की नहीं सर लास्ट चौदह साल से सर ये तभी बच्चों के इतने एग्जाम सुनाते हैं तो बच्चों ने पढ़ाई कर नो डाउट क्लियर पर सर वो जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है ना सर उससे क्या होता है आप ध्यान देना बच्चों एग्जाम्स के लिए सर ये प्रोफेशनल एग्जाम है ये मत एक्सपेक्ट करना कि जो बुक में क्वेश्चन है वही आएंगे बेटा क्लियर इंटरमीडिएट लेवल पे कई सारे आते भी है सर थोड़ा फिगर चेंज करके पर फिर भी मैं तो तैयारी ऐसी करूंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी आ जाए वी डोंट केयर जो पूछना है पूछ हमको सब आता है क्लियर उस लेवल से पढ़ना है तो और उस लेवल से पढ़ाई होती भी है और उस लेवल की वजह से ही इतने सारे बच्चों के इतने अच्छे स्कोर बनते हैं बेटा क्लियर बाकी इंडिया में सबके भी मिला लो ना बेटा एग्जीबिशन तो भी इतने नहीं होते बेटा जितने अपने के लिए होते हैं क्लियर क्योंकि कारण क्या है कॉन्सेंट्रेशन एंड माहौल हाँ है ना क्योंकि पढ़ते वक्त माहौल भी होना चाहिए बच्चों हाँ है ना भाई क्योंकि आपको पता है क्या चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है क्लियर सो so, मेरे को आपके लिए ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाना है सर और ये बनता है क्लियर और स्कोर बनते हैं सर एक बच्चे के 97 मार्क्स था सीए फाइनल में सर विच इज द हाईएस्ट एवर इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में बेटा हाँ है ना भाई वो तो कॉस्टिंग में सर उसके मार्क्स कम आ गए वरना ही वॉज दी ऑल इंडिया वन दो मंगल से कम हुआ बेटा हाँ है ना भाई क्लियर सर ध्यान देन पर पॉइंट क्या है पॉइंट क्या है सर ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग है हो सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो क्लियर सर सबके ना ये स्कोरिंग कब होगा बेटा जब आपने ढंग से पढ़ाया तो ठीक है और सर उसका दावा मेरा है सर उसका वादा है मेरा आपसे अब बस जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको जो मैं बात बोलूंगा उसका फॉलो करिएगा बेटा ठीक है और आपने लास्ट दो तीन देख लिया सर सर माहौल बन रहा है कोई टफ पढ़ नहीं है बेटा आपके लिए हा है ना सर क्लियर पक्का बच्चों अच्छा पता है टफ क्या होता है जो समझ में नहीं आया क्लियर सिंपल हा है ना सर सर सुना बात को से इनके सब जी क्या बोला सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन आइए सर बहुत सारी बातें होगी ज्ञान की पढ़ लेते पढ़ाई की बात बेटा सेक्शन नंबर सेवेन सप्लाई सर सेक्शन नंबर सेवेन सब सेक्शन नंबर वन पता है क्या बोलता है पता है क्या बोलता है मिनट सप्लाई क्लोज नंबर ए बी सी और पहले डी भी था डी को काट दिया बेटा ऐसे था काट दिया और उसको कट करके वन ए बना दिया सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन ए बना दिया बच्चा ठीक है बताऊंगा उसका मीनिंग बेटा अभी उसको छोड़ो आप मुझे अभी बताओ और एक और बीच में चलो बता देता हूं साथ सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी और डी जो था उसको क्या कर दिया बेटा कट चलिए इधर 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 अभी 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 बात करेंगे दो मिनट नजर 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 सप्लाई सप्लाई क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी ध्यान देन देना बच्चों एंड स्पेशली अमृतसर में जो बच्चे बैठे प्लीज पूरा ध्यान इधर एंड सर भूल जाइए आसपास कोई बैठा है सर पूरा समर्पण इधर रखिए बस फिर देखो जो प्यार बरसा सेवन सर सेक्शन नंबर सब वन क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी इसका मतलब क्या है सर चलो डबल ए की बात करेंगे बाद में सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए बी सी इसका मतलब क्या है ए बी सी में क्या पढ़ लेंगे सर हम सप्लाई includes ए बी सी इसका मतलब क्या होता है दिस डेफिनेशन इज inclusive डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता है मतलब मतलब ये भी है या ये ही है मतलब ओनली या ऑल्सो इधर ध्यान हाँ कोई बात नहीं सर डिस्कशन करो और मैं तो कह रहा हूं क्या, क्या अगर आप मेरे से यहां बात करते हो और सर मैंने कुछ पूछा है आपसे आपने आंसर दिया है और अगर वो मान लो आंसर क्या है गलत है तो पता है क्या सोचने का यस मजा आ गया सर क्यों जो आपको गलत आता था उसको सही हो गया यहाँ पे हम यहाँ पे आए किसके लिए बेटा इसलिए आए ना सर तो कभी भी आंसर गलत होता दुखी नहीं होना सर खुश होना और मज़ा आ गया भाई अगर ये लेक्चर में नहीं आते तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है सर क्लियर हम सीखने तो आए सर इसलिए कभी भी आंसर गलत हो तो अपने आपको डीमोटिवेट मत करिए खुश हुई बात और मजा आ गया भाई सही हो गया बच गए समझे तो ये अपने आप आपको क्या करेगा मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए बेटा और अगर आप सोचोगे नहीं गलत हो गया तो आप पीछे हटोगे सर हमेशा ओके okay, सर आगे बढ़ने की सोचो हमेशा हाँ जी सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी सर इसका मतलब क्या होता है सर इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या सर ऑल्सो या ओनली चलिए मैं पूछ, पूछता हूं सर माई लाइफ मीन्स यू मतलब तुम ही हो माई लाइफ इंक्लूड यू छपा तुम भी हो <laughs> हाँ ना योर सिलेबस इंक्लूड जीएसटी ऑल्सो क्या सिलेबस में जीएसटी ही है जीएसटी भी है हा मालिक सर माई लाइफ मीन्स यू तुम ही हो माई लाइफ इंक्लूड्स यू तुम भी हो मतलब फर्स्ट केस में क्या है सच्चा प्यार है सेकंड केस में फ्लोरेट है बेटा हाँ है ना सर तू नहीं तो तू भी चाल से हाँ है ना भाई सर सुनना ध्यान से माय लाइफ इंक्लूड्स यू ठीक है यहां क्या लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स मतलब ऑल्सो सर अगर ये लिखा होता सप्लाई मींस ए डबल ए बी और सी मतलब तुम ही हो बात खत्म एंड यू नो लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट 2017 में जब जीएसटी एक बना सोचिए अगर कोई ट्रांजेक्शन गलती से भी सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल जाए अगर कोई ट्रांजेक्शन गलती से भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आए तो क्या होगा लेवी नहीं होगा लेवी नहीं होगा तो जीएसटी लगेगा ही नहीं जब जीएसटी लगता ही नहीं है तो पे करने की बात तो आती ही नहीं है हा है ना भाई सम मेरी बात इसलिए जब सर्विस टैक्स एक्साइज वेट और इस तरह के कई सारे टैक्सेस जब मर्ज हुए तो लॉ मेकर्स को भी बहुत सावधानी से ये एक्ट बनाना पड़ा बेटा कि गलती से भी देखो उनका टारगेट क्या था इन सब टैक्सेस को मर्ज करके सिंपलीफाइड टैक्स बनाना है पर उनका टारगेट ये नहीं था कि पे टैक्स लगता है उसको टैक्स से बाहर निकालना ये टारगेट नहीं था इसलिए मेकर्स मेकर सो स्मार्ट कि उन्होंने लॉ ड्राफ्ट करते वक्त हर उस बात का हर एक वर्ड का ध्यान रखा कि कहां पे क्या लिखना है उन्होंने यह ध्यान रखा कि गलती से भी अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के से बाहर निकल गया तो देश कौन सा बेटा अपना इंडिया या लोग टैक्स पे करने वाले नहीं है बेटा ये तो बोल देंगे तुमने लिखा है सप्लाई मीन एबीसी तो कवर ही नहीं है सब इसलिए उन्होंने क्या बोला कोई बात नहीं तुम भी हो तुम नहीं हो तुम भी आ जाओ मतलब गलती से भी कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है गलती से भी कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है तो सर सर डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव डेफिनेशन है कोई बात नहीं हमने इसमें नहीं लिखा तो भी तुम भी हो हां वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बताता था बेटा गवर्नमेंट ने कुछ छोड़ा नहीं बेटा ये एबीसी में सब कुछ कवर कर दिया बेटा क्लियर बट आपको ड्राफ्टिंग सेवा मारी बेटा है हाँ ना भाई क्लियर अच्छा पता है सर बहुत सारे लोगों ने अब तक बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी कई सारे एक्ट में बेटा पर शायद कभी ध्यान ही नहीं गया कि इंक्लूड्स लिखा कि मीन्स लिखा अब शायद आज के बाद जो डेफिनेशन पढ़ोगे शायद हर जगह ध्यान जाएगा कि इंक्लूड है कि मीन से बेटा हा है ना भाई कितना बड़ा फर्क समझ में आया बेटा आपको ये ठीक है आइए सर सप्लाई इंक्लूड शुरू करें बेटा हम बात को क्लियर सबको एक एक वर्ड समझना है बच्चों ठीक है सप्लाई इंक्लूड क्लोज ए क्लोज डबल ए बी और सी पहले बात करें क्लोज नंबर ए की बेटा ओके okay? देन देना सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए सप्लाई इंक्लूड्स ज ए बोलता है क्या बोलू क्या सर सप्लाई इंक्लूड्स पहले मैं लिख दू काम गुरु लिख दू आपके लिए बच्चा फिर पढ़ाऊंगा आपको ठीक है सर ठीक सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल सप्लाय इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल अभी एक एक वर्ड हम समझेंगे बेटा ठीक है अभी मैंने केवल लिखा है ओके okay? सर

कल मैं आपको ये इसका पीडीएफ भेजने वाला था वो रह गया मेरे से कल आज भेजता हूं बेटा सारे में ठीक है जो भी मैं लिख रहा हूं उसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ओके सर इधर सर सुनना ये हो गया सेक्शन नंबर सेवन क्लोज नंबर ए मैंने लिखा है अब एक एक वर्ड समझते एक एक बात करते सर मजा आएगा आपको जीवन के अंदर ध्यान मेरी तरफ रखो बच्चा सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन ध्यान दीजिए बेटा जीएसटी के अंदर साइज भी जीएसटी के अंदर साइज भी हुआ है वेट भी मर्ज हुआ है सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ और ऐसे कुछ टैक्सेस और भी मर्ज हुए बेटा क्लियर इसलिए क्या बोला सप्लाई इंक्लूड्स फर्स्ट में लिख दिया ओल्ड फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या लिखा है सब आने दो सब आने दो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कैसे भी सप्लाई हो बेटा सच इज आगे क्या लिखा बेटा भाई भाई एक मिनट एक मिनट आगे सच इज मतलब जैसे कि मतलब क्या है ये एग्जाम्पल से ये भी बेटा मतलब इसमें भी कोई रह जाए तो कोई बात नहीं तो भी सप्लाई तो ही है बेटा अब बात समझ रहे मेरी आप क्लियर सर ये चीज समझो यार चीज मजा आएगा सर आपको क्लियर सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल अब एक मिनट एक एक बार समझो मैं आपको बेटा यस सेल ध्यान सेलो सर मान लो आवाज आ जारी हो पेंसिल मैंने आपको बेचा कितने बेटा रुपीज टेन थाउजेंड में बेचा दस हजार में मैंने आपको पेन बेचा है यू टेल मी इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई आवाज रही ये मैंने क्या बेचा आपको बेटा सेल किया ना बेटा सप्लाई इंक्लूड सेल दस हजार में गुड्स बेच दिया क्लियर सेल एक्सचेंज अच्छा भले गुड्स बेचू या सर्विसेज बेचू बेचा जैसे हमने कोचिंग सर्विसेज आपको सप्लाई करी आपको सेल करी बेटा दैट इज ऑल्सो सप्लाई तो गुड्स हो या सर्विसेज हो ठीक है सर सेल एक्सचेंज सर कई सारे शोरूम पे आपने देखा होगा मोबाइल खरीदने गए फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपी का मोबाइल था बेटा मान लो क्लियर पुराना मोबाइल लेके आओ नया मोबाइल ले जाओ थर्टी फाइव थाउजेंड में बचो कोई भी कंपनी का कोई भी ब्रांड का कोई भी मॉडल या स्मार्टफोन होना चाहिए सर एक्सचेंज ऑफर थर्टी फाइव थाउजेंड में आप मोबाइल ले जाइए होता कि नहीं होता मुझे बताओ आप लोग आवाज यारी क्लियर दैट एक्सचेंज इज आल्सो सप्लाई क्लियर सर सेल एक्सचेंज होता है सर एक्सचेंज समझ में बेटा बार्टर बार्टर मतलब क्या होता है बेटा प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर क्लियर प्योर एक्सचेंज इज कोल्ड बार्टर क्या नाम सर धीरज भाई सर मैंने आपको पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया दोनों बर्बाद बेटा सर मान लो सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया ये क्या है बेटा बार्टर क्लियर तो बाटर भी क्या है सप्लाई है मेरे लिए भी सप्लाई है आपके लिए भी सप्लाई है हा है ना भाई क्लियर तो सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ तो सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर मैंने अपने जितने भी बिजनेस के असेट्स थे वो अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए बेचा हाँ ना सर सर मैंने ब्रांच ट्रांसफर कर दिया गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गुड्स का वो भी सप्लाई के में आता है आगे बात हाँ ना सर, सर? सेल सप्लाई uh, इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज अच्छा जैसे ही वर्ड बोलते ना सेल तो एग्जाम्पल क्लिक होना चाहिए बेटा आपको सेल एक्सचेंज पुराना फोन बेटा बाटर है हाँ ना एंड ट्रांसफर ठीक है सर लाइसेंस लीज फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज हा है ना सर क्लियर वो भी क्या सप्लाई और सर्विस है यार? हाँ ना मालिक क्लियर वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा उसमें भी जीएसटी लगेगा क्योंकि केवल गुड्स के टैक्स मर्ज नहीं हुए सर्विस टैक्स में तो मर्ज हुआ है बेटा Clear? तो फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज क्या है सर्विस सर है वो भी क्या है? है। मान लो मैंने कोई किया है, क्या बेटा मैंने सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस मैंने आपको दिया है बेटा जैसे जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे बेटा सर अभी स्टार्टिंग तो चलो ओपन है यूट्यूब पे आ रहे बाद में लेक्चर क्या होंगे बेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे बेटा आपको

क्लियर एंड लास्ट क्या बेटा सर मैंने अपने के डिस्पोज कर कर दिए सर लाख में सारे के डिस्पोज कर दी. वो भी सप्लाई है supply है, supply है तो जीएसटी लगेगा सारे एग्जाम्पल क्लियर बेटा आपको क्लियर ये सारे एग्जाम्पल बुक में भी दे रखे मैंने बेटा आपको बुक में भी मिल जाएंगे आपको Sir, बेटा ये ठीक है सर ध्यान बच्चों सप्लाई क्या बेटा सप्लाई सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन क्लोज नंबर ए कहता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्लोज नंबर ए बोलता है क्या ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल सर वापस सबको बोलना है इंक्लूडिंग वीडियो क्लास में जो है प्लीज आपको भी बोलना बोलना बेटा बेटा एक साथ क्लियर सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ इमेजिन करता जाओ बच्चों मैंने कोई गुड्स एक्सचेंज पुराना मोबाइल फोन दिया नया मोबाइल फोन खरीदा क्लियर सर बाटर प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बाटर सर ट्रांसफर गुड्स अरे ना मालिक सर देन लीज फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग बच्चों भाई क्लियर वापस बोलना सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बहुत आया मजाक नहीं आया सर आप सुना ध्यान से सप्लाई इंक्लूड्स बस 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 अपने आपको देखो बेटा सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सचेज सेल एक्सचेंज बाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल वापस सुनना सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सचेज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल अभी एक एक वर्ड क्लिक होना बेटा यही पहले जब बोलता था, था क्या लगता था गाड़ी छूट गई बेटा है हाँ ना भाई ये मैं आपको कह रहा हूं concentration. पर concentration ही काफी नहीं है क्लियर आपको चीज अगर समझ में आएगी सर फिर कॉन्सेंट्रेशन से आप बात करोगे फिर देखो कैसे गाड़ी पकड़वाती है बच्चा हा है ना भाई क्लियर सर सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ बोथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेटा है ना मालिक क्लियर अच्छा गुड्स <coughs> क्या होता है सर्विसेज क्या होता है सर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है तो सर गुड्स और सर्विस को भी डिफाइन किया हुआ बेचारा। पर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा आपको सर सही वक्त आने पर इनकी डेफिनेशन पढ़ूंगा अभी टेम्परली आप मान के चलो किया ये गुड्स क्लियर और सर्विसेज सर जैसे कोचिंग इज अ सर्विसेज बेचो हा है ना भाई क्लियर समझे मेरी बात तो वो भी क्या है सप्लाई है क्लियर <coughs> तो गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो सब पे जीएसटी लगता है क्लियर समझे मेरी बात वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बेटा एक मिनट मैंने सप्लाई कर दिया मैंने सप्लाई कर दिया सर देना कंजूस एक और सर मान लो ये क्या बेटा ये क्या बेटा मार्कर्स मैंने क्या बनाया बेटा मार्कर्स बनाया ब्रांड नेम मंगल्स अभी अपनी रोज यह फैक्ट्री चलेगी बेटा या क्या बनेंगे बेटा क्या बनेंगे यहाँ मार्कर्स ब्रेम मंगल ठीक है सर मैंने मार्कर्स बनाए हा है ना भाई सर मान लो मैंने मार्कर बनाए अब मैंने मार्कर बना के सप्लाई कर दिया तो सप्लाईज आर मेड हा है ना भाई तो सप्लाई कर दिया मतलब सप्लाईज आर मेड तो सप्लाई तो है ही है बेटा मैंने सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया वो भी क्या है सप्लाई वेन सप्लाईजर मेड और बोलो 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 वेन सप्लाईजर मेड और अग्री टू बी मेड सप्लाई कर दिया सप्लाई के लिए एग्री कर दिया वो भी क्या है बेटा सप्लाई तो सप्लाई कर दिया तो आपको समझ में आ गया बेटा वो तो सप्लाई है ही है बेटा अब बात आती सप्लाई करने के लिए मैंने अगर एग्री कर लिया तो भी क्या है बेटा सप्लाई एग्जाम्पल दू इसका। मैंने एग्री कर लिया अगर आपने मुझे एडवांस पे कर दिया मैंने एडवांस ले लिया मतलब क्या बेटा मैंने एग्री कर लिया हा है ना भाई क्लियर सर आपने सर ये बैच स्टार्ट होने से पहले ही एडमिशन ले लिया बेटा आपने फी पहले ही पे कर दिया सर हमने जब फी एक्सेप्ट किया मतलब हमने क्या कर दिया बेटा वी टू सप्लाई कि मंगल आएगा मंगल पढ़ाएगा हाँ ना? हमने एग्री कर लिया क्लियर हमने सप्लाई भले ही नहीं किया फिर भी हमने एग्री कर लिया जब एडवांस रिसीव हुआ हाँ है ना मालिक क्लियर तो सर ऐसे केस में अगर एडवांस रिसीव हो गया मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया और हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया मतलब सप्लाई हो गया हाँ ना भाई क्लियर और सर हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया मतलब सप्लाई हो गया सप्लाई हो गया तो क्या लग गया बेटा जीएसटी अरे क्या लग गए जीएसटी अरे क्लियर समझे मेरी बात तो सर इन केस अगर मैंने सप्लाई किया या सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया वो भी क्या है बेटा सप्लाई है और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बच्चे जीएसटी अरे क्लियर यहां तक बात समझे क्या बेटा आवाज नहीं आ रही सबकी सर अरे यसे नो ओ ये नो मालिक ना बात सर वेन सप्लाई आर मेड अग्री टू मेड एक मिनट बाय अ पर्सन क्या नाम सर देवेश क्या पर्सन हो बेटा अरे क्या है पर्सन है क्या नहीं है सर कोई बात नहीं बेटा सर भगवान है बेटा सर सुनना बच्चे ध्यान से सर इंडिविजुअल और इसने कोई गुड सप्लाई किया है सर्विसेस सप्लाई करी बेटा हाँ है ना मलिक सर वो भी क्या है सप्लाई है कि सप्लाई इज मेड बाय अ पर्सन तो पर्सन में क्या आता है बेटा सर सुनना बेटा हाँ तो वही जो आपको डेफिनेशन बताया वही सर सब कुछ कवर किया इसने बेटा मैं बोल था आपके के लिए बेटा पर्सन इंक्लूड मींस नहीं लिखा बेटा सर क्या क्या है सर इंडिविजुअल एच यू एफ पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सारी कंपनी वगैरह सब आ गई बेचा इसके अंदर क्लियर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन सर एओपी बीओआई सोसाइटी क्लियर कोऑपरेटिव सोसाइटी सर लोकल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सर ये सब आ गए बेटा इसके अंदर मतलब सर सोचिए अगर कोई पर्सन पर्सन की डेफिनेशन से बाहर निकल जाता तो क्या होता तो वो कुछ भी करता जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आता सर मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको शायद यार कि एक एक कि एक-एक वर्ड समझ आखिर ये क्यों हुआ क्या हुआ तो याद हो जाएगा सर अपने आप क्यों हुआ समझ मारा कि नहीं आ रहा मुझे यार क्लियर क्या हो रहा है वो मैं अपने आप याद कर दूंगा वो अपने याद होगा सर मेरी गारंटी सर आपसे हा है ना सर अभी एक चैप्टर खत्म होने दो सर आप सर फिर आपको समझ में आएगा कि वो सारा याद है नहीं सर आपको हाँ ना सर आप बस पढ़ो मस्त हो गए बड़ी है, खुश हो के बड़ी, हाँ ना, तो, sir, शायद आपके दिल की गहराई तक बात पहुंची हाँ इसका मतलब अगर पर्सन की स्कोप से अगर कोई पर्सन नहीं कवर होता बाहर निकल जाता तो सर सप्लाई में नहीं आता सप्लाई में नहीं आता मतलब जीएसटी नहीं लगता है सर इसलिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया यार हर एक चीज को इंक्लूड करना है बेटा क्लियर डन तो सर सप्लाई इंक्लूड्स है ना मालिक ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई समझ मारा बेटा आपको क्लियर सच इज सेल एक्सचेंज ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू मेड बाय अ पर्सन आइए कंसीडरेशन अरे एक ही ऑपरेशन चल रहा है भाई है हाँ ना तब जाके समझना सप्लाई क्या होता है सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन मतलब क्या होता है सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन के लिए सप्लाई है तो सप्लाई है ना सप्लाई ही नहीं है एक मिनट मतलब फ्री सप्लाई सप्लाई नहीं है बेटा फ्री सप्लाई सप्लाई ही नहीं है सर। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर एग्जाम्पल बताऊं छोटे छोटे एग्जाम्पल उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते बेटा हमेशा एग्जाम्पल हमेशा ऐसा लीजिए जो आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड हो बेटा जो रिटर्न लाइफ में आपके काम आते हो सर उसे क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं फिर आप जितने भी बड़े बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करना कर लेना बेटा सर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा आपके सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन बेटा लास्ट में गेट थोड़ा सा लगा देना सुना ओके 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 बस बस हो गया ओके लॉक नहीं करना बेटा अच्छा हाथ हाँ तो बंद कर ओके ओके, ठीक है सर थैंक यू सर नहीं तो क्या बाहर के लोग भी ऐसे देख के जाते हैं कि ये अंदर हो क्या रहा है बेटा क्लियर मंगल ना क्या आया कि नहीं आया सर सर न बात को ध्यान से मान लो गुड सर अगर आपसे नीचे सर रोड पे किसने पूछ लिया क्या सर बुधवार पेट का रास्ता किधर सॉरी सर ना तो सर आपको तो डेली का काम है बेटा सर आपने मान लो उसको रास्ता बता दिया हा ना भाई सर आपने उसको रास्ता बता दिया कि रास्ता बताने के लिए सर आपने उसको पैसा लिया बेटा हाँ ना नहीं लिया बेटा तो क्या जीएसटी लगेगा सोचिए अगर सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन होता और वो सप्लाई के स्कोप में अगर आता तो क्या होता सर आवाज नहीं आ रही ये जीएसटी लग जाता सर अगर विदाउट कंसीडरेशन पे भी अगर सप्लाई केस में जीएसटी अगर लगता तो सोचिए आप तो फ्री की एडवाइस देना बंद कर देते सर आप किसी की हेल्प करना बंद कर देते आपसे कोई पूछता कि सर बुधवार पेड़ कहा है आप बोलते तू तेरे जाता रहे आई डोंट केयर वरना सर तू तो रास्ता पूछ जाएगा मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चा हाँ है ना मलिक इसलिए सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन हाँ है ना सर अगर आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर देख रहे हो तो ऐसे केस में दैट इज फ्री सर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अब हमारे लेक्चर जितने भी लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में देखे बेटा हमको कोई उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है पर अगर, अगर आपने फीस देखे फिर हमसे पढ़ा है तो ऐसे की जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा हा मालिक सप्लाई शुड बी फॉर अच्छा सुनो हशरी कंसिडरेशन मे बी इन मनी मे बी इन काइंड क्लियर सप्लाय शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन मे बी इन मनी मे बी इन काइंड सर डू मीन समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड बेटा बच्चों अब हम अगले पढ़ाओ पे कंसिडरेशन क्या होता है बच्चों ठीक है अच्छा केवल एक कंसिडरेशन वर्ड समझने में दस पंद्रह मिनट में को लगेंगे बच्चा पूरी बात करेंगे मस्त होगी बात करेंगे जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी उतनी गारंटी से बात करेंगे सर ठीक है प्लीज इन्वॉल्व की बात करिएगा अच्छा हम एग्जाम्पल में मजे ले लेंगे सर बस आप एक्स्ट्रा बार मत जाइएगा बेटा क्लियर सर आपको पढ़ते पढ़ते मजा आना चाहिए सर मजे लेने के लिए कुछ और बाहर जाने की जरूरत नहीं सर आपको ठीक है सर ध्यान देना मिटा मालिक सप्लाई शुड बी फॉर मतलब समथिंग इन रिटर्न अच्छा एक बात और बच्चों जैसे मैंने आपको बताया क्या जैसे भी एक डाउट आया था पे सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेटा इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाई नहीं बेटा ठीक है पर अभी टेम्पररी मान लीजिए कि गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता बेटा? है बेटा मूवेबल जैसे ये पेन मूवेबल है बेटा यस सुना बेटा क्या नाम हाँ हाँ नहीं नहीं पीछे मत देख हा हाँ क्या पूर्वा ये बेटा थोड़ा सा पिलर जो ना ये थोड़ा इधर शिफ्ट करना बेटा <laughs> सर ये बोल रही कि आ, सर ये पिलर में शिफ्ट तो कर दूंगी पर बिल्डिंग टूट जाएगी बोलना मत मेरे को आप है हाँ ना तो दिस इज कॉल्ड इमोबल प्रॉपर्टी क्लियर दिस इज नॉट गुड्स है ना भाई क्लियर तो बिल्डिंग्स वगैरह क्या होती बेटा इमोबल प्रॉपर्टी होती है बेटा क्लियर जिसको मूव तो कर देंगे पर वो सब्सटेंशियली डैमेज हो जाएगी बच्चे क्लियर सर ये बोलती सर क्या बात कर रहे हो सर मैं हनुमान भक्त हूं सर पूरी बिल्डिंग उठा के शिफ्ट कर दूंगी क्या बात करते हो आप सर पर बोलना मत टूट जाए तो सर हाँ है ना मालिक तो सर अगर आप इस पेन को मूव करते हो तो विदाउट एनी डैमेज जैसे ये एसी लगा हुआ बेटा हाँ है ना क्लियर सर जो वीडियो क्लास में देख रहे वो भी आसपास कोई कर सकते क्या है बेटा इमोबल प्रॉपर्टी है ये गुड्स नहीं होता है बेटा ठीक है डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा पर अभी एक डाउट नहीं है आपको इसलिए बता रहा हूं आपको बेटा क्लियर समझे मेरी बात सर पॉइंट ये मेरा आपसे कि सर अगर गुड्स है तो जी लगता है सर सर्विसेज कोचिंग सर्विसेज का मैंने एग्जांपल दिया सर इज कॉल्ड सर्विसेज हम बात करेंगे डिटेल में बात में बेटा पर अभी सर इमूवल प्रॉपर्टीज के सेल पे जीएसटी नहीं लगता ये मान के चले गया बेटा क्योंकि ना वो गुड्स होते हैं ना उन पे जीएसटी लगता है बच्चा हाँ है ना भाई तो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है क्लियर किसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता ठीक तो है सर गुड्स और सर्विस के टैक्स मर्ज हुए हैं सेल ऑफ इमूल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता ठीक है मालिक चलिए सर अभी बात करेंगे और गुड्स और सर्विस की बाद में बेटा ठीक सर है कंसिडरेशन सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन मतलब मतलब कंसिडरेशन के लिए सप्लाई होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा कंसिडरेशन के लिए सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा

सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको इंडर टैक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टेक्स पढ़ाया तो मैंने इंडर टैक्स पढ़ाया इसलिए मुझे डायरेक्ट की कोचिंग मिल रही है बेटा दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन मे इन मनी मे हाँ ना मालिक सर सप्लाई शुड बी फॉर अंसिडरेशन क्लियर कंसिडरेशन मतलब क्या होता है समथिंग इन रिटर्न क्लियर सर सप्लाई शुड बी अच्छा ध्यान ना हो सकता एक ही वर्ड को मैं पंद्रह बार बोल दू बेटा ठीक है आपको ध्यान यह रखना है और मुझे बताया कि मेरे को कौन सा वर्ड कितनी बार बोलना है बेटा ठीक है क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है उसी वर्ड में छुपा हुआ बेटा ठीक है एंड आई नीड दी आंसर फ्रॉम यू ओनली बेटा और पता है मैं हमेशा क्या चाहता हूं मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका लो पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग हो इतना स्ट्रांग हो वो वर्ड इतना स्ट्रांगली आपको समझना है कि क्वेश्चन लाइफ में कोई भी आ जाए आंसर इस वर्ड के अंदर ही है बेटा क्लियर इसलिए अगर कोई वर्ड को मैंने दस बार बोला तो ये मत समझना कि पकरा है क्लियर सर पकने दूंगा मैं मेड आपको सर ऐसा शानदार वाला घुमाऊंगा मजा आ जाएगा सर आपको अरे क्लियर सप्लाई शुड बी फॉर कंसीडरेशन इट मे बी इन मनी मे बी इन काइंड सर आपने जो सप्लाई किया है वो किस लिए किया बेटा बोलो 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 कंसिडरेशन के लिए किया तो सप्लाई होगा कंसिडरेशन के लिए नहीं किया तो सप्लाई नहीं होगा एक बार इस लाइन को वापस बोलना बेटा और फिर भी इस पे, पे हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लो बेटा आपसे आपने जो काम किया है भले गुड सप्लाई करने वाला काम किया हो या सर्विस सप्लाई करने वाला काम किया क्यों किया बेटा आपने कंसिडरेशन के लिए किया तो सप्लाई है और लग, क्या लग जाएगा बच्चे जीएसटी और अगर आपने कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया किस लिए काम नहीं किया बेटा कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं कंसीडरेशन के लिए बेटा ये को जरूर ध्यान रखिएगा बेटा ये वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा बेटा सरकार क्वेश्चन एक मस्त एग्जाम्पल ले लूंगा बेटा आपके लिए एक, एक शानदार वाला दिमाग खराब बेटा एकदम अरे मस्त वाला एग्जाम्पल ले, ले क्या? मान लो हाँ। क्या नाम सर यत्नेश्वर क्लियर सर यत्नेश्वर जी हा है ना सर पता है कौन है? है बेटा ये स्टूडेंट तो बेटा क्लियर अब यत्नेश्वर सर सी ए कर रहे हैं बेटा चलेगा ना बेटा एग्जाम्पल एक मस्त वाला सॉलिड बेटा को भी याद रहेगा जीवन भर इनको भी याद रहेगा बेटा सर मान लो इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस बहुत बड़ी फैक्ट्री सर किसकी सर गुड्स की बेटा आइटम्स नहीं बेटा ठीक है जो तू बोलना जरा बोल दू बेटा मैं सर सुनना बात से सरकार इनके पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा कारोबार बचो सर सर मालिक और आपको पता है जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही ज्यादा जिम्मेदारियां होती है उतनी ज्यादा रेस्प़ॉन्सिबिलिटीज़ होती है उतना ज्यादा वर्क लोड होता है बच्चों हाँ है ना मालिक सर बच्चा सीए कर रहा है मान लो सी ए फाइनल में बेटा सर आर्टिकलशिप करा रहा है, बड़ी बड़ी कंसर्न की बेटा बड़ी बड़ी factories की ऑडिट करता है बेटा सर इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस। और सर पापा काम करने वाले सर जो मैनेजमेंट के जो मालिक है बेटा वो एक है बाकी एम्प्लोई तो हजारों है सर सर हाँ अब एक, सर कुछ दिन से पापा टेंशन में थे बिजनेस की बेटा कुछ दिन से पापा टेंशन में यत्नेश्वर ने पूछा कि पापा क्या बात है भले कुछ है तू तो छोड़ ठीक है इग्नोर किया पापा ने इसने भी ठीक है आगे बात नहीं करी सर दो तीन दिन में सर वापस इसने पूछा पापा टेंशन में ज्यादा थे बेटा इसने बोला पापा क्या टेंशन है आप मुझे बताओ ना मैं भी सीएफएल में हूं आप मैं से शेयर कर सकते हो मैं बड़ी बड़ी कंसर्न की ऑडिट करता हूं आपकी फैक्ट्री तो क्या चीज है क्या बोला रहे मतलब मतलब सर आप अब मेरे से शेयर कर सकते हो सर अब मैं बड़ा हो गया हूं सर पापन बोला दिमाग खराब कर ये तू पढ़ाई में दिमाग लगा यत्नेश्वर का प्यारा नाम क्या बेटा ये तू हाँ ना भाई क्लियर और पापन बोला दिमाग खराब कर ये तू पढ़ाई में दिमाग लगा वैसे मैं हेडेक में हूं और तू हेडेक मत बढ़ा मेरी दिमाग खराब मत कर पापा ने सर इसकी बात सुनी नहीं इसने ही पापा को बोल दिया पापा मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो मेरे को बताओ मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा आपको पापा बोलते तू बताएगा सीए कर प्लस ए और सर इसका भी गो हर्ट हो गया और इसने सोचा और किसी को बताओ ने बताओ इनको सीए करके जरूर दिखाना है मेरे को हाँ है ना और सर बच्चा उस दिन से पूरा जी जान लगा के मेहनत करने लग गया इसको एक यू you नो know, वो टारगेट मिल गया कि और चैलेंज मिल गया कि और किसी को बताऊं नहीं बताऊं इनको सीए दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया कि तू तो, तो कर एक बार पहले ईगो भी ले लिया और बच्चा पूरी मेहनत करने लग गया सही डायरेक्शन पे आ गया यहां क्लास लेने आ गया एकदम सही जगह आ गया और सर देखते ही देखते इनकी एग्जाम्स थे बहुत मेहनत करी दिन रात एक कर दिया और सर जिस दिन रिजल्ट आया और साहब यह तू भैया सीए यत्नेश्वर जी बन गए यत्नेश्वर सीए यत्नेश्वर बन गए जश्न का माहौल जबरदस्त शानदार वाला बेटा सर भाई तीन चार दिन तक फुल माहौल चला घर पे भी सब खुश पापा भी खुश मम्मी भी खुश वो भी खुश सब खुश बेटा वो मैं अब बाकी स्पेस रखा बेटा क्लियर इज द केस में डिपेंड्स ऑन केस टू केस डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट सर सुना बात <laughs> सर अब सुना बात से भाई अच्छा इधर इधर नजर इधर सरकार और चार पांच दिन निकले जश्न का माहौल चल रहा है अब इसने पापा से पूछा पापा अब मुझे बताओ आपके बिजनेस की क्या टेंशन है नाउ आई पापा ने बोला जॉब लगी नहीं उधर दिमाग लगा दिमाग खराब मत कर मतलब सीए बनने के बाद भी कोई काउंट नहीं किया सर इसकी बात सुनी ही नहीं सर इसका दिमाग और खराब बच्चा लगा जॉब को ढूंढने में हा तीन चार दिन निकले पापा का बिजनेस और टेंशन में और सर धीरे धीरे पापा का बिजनेस लॉस की तरफ आने लग गया इसने पापा से एक दिन इसको रहा नहीं गया पापा मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे थे इससे देखा नहीं गया इतनी टेंशन में इसने पापा को पकड़े पापा पापा आपको मुझे बताना ही पड़ेगा क्या टेंशन में आपको ऐसे नहीं देख सकता पापा बोले बच्चा हाथ से गया मैं पागल हुआ नहीं हुआ ये जरूर हो गया सब पवन मुला आराम रख। शान्ति। शान्ति से शांति नहीं रखूंगा शांति शांति से मिला था पर मेरे को नहीं जमी <laughs> साहब पवन मुला कोई बात नहीं चिंता मत नहीं चिंता करूंगा आप मेरे को पहले बताओ क्या टेंशन है मैं आपकी टेंशन सारी दूर करूंगा आज अब पापा भी क्या करते इसने ऐसा जबरदस्ती पकड़ लिया अब बच्चा तो घर का ही है ऐसा छोड़ नहीं नहीं सकते क्लियर पापा ने इसको बैठ बेट बेटा बैठूंगा मैं ठीक है खड़े होकर बात कर अब साहब पापा ने इसको बोला कि क्या बताऊं बच्चे बिजनेस में इतनी टेंशन है कि साहब बैंक लोन के लिए अप्लाई किया सर बैंक मैनेजर बोलता है क्या सर

और कुछ लोग टाइम पे सप्लाई करते पर क्वालिटी वो नहीं देते बेटा सर इधर स्टॉक मैनेजर से पूछता हूं स्टॉक कितना है होश ही नहीं उसको सर स्टॉक खत्म हो जाता है फिर बोलता है स्टॉक खत्म हो गया पहले बोलता ना भाई फैक्ट्री बंद पड़ी तीन दिन से सर इधर सेल्स का स्टॉक कुछ और स्टॉक कुछ और ही है सर इधर प्रोडक्शन की क्वालिटी जो मैं बनाता हूं वो क्वालिटी में खड़ा होता हूं तो बनती है मैं गायब सर वो क्वालिटी बिगड़ जाती है इधर टैक्स में समझ नहीं आ रहा है क्या करने का हाँ ना। सर पंद्रह मिनट तक पापा ने बिजनेस की टेंशन बताई इसने के पापा आउट ऑफ सिलेबस इसने ऐसा नहीं बोला इसने बोला पापा एक काम करो सर एक काम करो जो आपके डेटर्स से उनके साथ एग्रीमेंट बनाओ उस एग्रीमेंट में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये लिख दो क्रेडिटर्स है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ उन कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स चेंज करके ये वाले टर्म लिखो आप फिर बैंक लोन के जो आपने जो अप्लाई किया है उसमें ये ये डॉक्यूमेंट दो और ये वाली एप्लीकेशन लगा। यहां लगाओ यहां ऐसा करो यहां ऐसा करो यहां ऐसा करो यहां ऐसा करो, करो एक घंटे तक तो ज्ञान बांट दिया बेटा लास्ट में पापा पा, पा, पा ने बोला हो गया ओके जाऊं मैं चल बाय चल निकल मतलब पापा ने इसकी बात इग्नोर कर दी पूरी सर इस तो मतलब पापा मेरी बात समझ में बोले हाँ आगे चल बोले समझ में आया ना बोले हाँ आया है मेरी बात सुनी तो है हाँ सुनी है इंप्लीमेंट कर देना बोले क्या पापा बोलते दिमाग खराब मत कर रहे हैं ये तू पहली बात तो तूने मुझे जबरदस्ती पकड़ा मेरे को कोई इच्छा नहीं थी तेरे से कुछ बात शेयर करने की फिर भी तूने जबरदस्ती मेरे से पूछा मैंने जबरदस्ती बताया तूने मेरे को तेरे से ज्ञान नहीं चाहिए फिर भी तूने जबरदस्ती ज्ञान दिया मैंने वो ज्ञान लिया अब तू बोलता है इंप्लीमेंट कर देना ना हो पाएगा क्लियर और पापा ने इसकी बात को इग्नोर किया सर पापा आगे बढ़े इसने पीछे से बोल दिया पापा आपकी एब्सेंस में कई बार मैं फैक्ट्री जाता हूं मुझे पता है कहां क्या दिक्कत है मैं कह रहा हूं ये इंप्लीमेंट करते ना पापा उन्होंने दिमाग खराब कर जॉब ढूंढते रहा पापा ने इग्नोर कर दिया पापा ने बड़े से बड़े कंसल्टेंट हायर किए कुछ ना हो पाया पापा का बिजनेस लॉस में चला गया सर पापा और टेंशन में एक दिन इसने पापा से बोला पापा मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लेना ज्यादा ज्यादा क्या होगा आपका बिजनेस वैसे भी उसी स्टेज पे हाँ है ना और बायल पापा ने इसकी बात मान ली जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी सर पापा का पूरा बिजनेस की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई बेटा सर मतलब पापा का बिजनेस एकदम ट्रैक पे आने लग गया सर पापा का जो लॉस मेकिंग यूनिट था वो प्रॉफिट मेकिंग होने लग गया सर पापा ने बोला मेरा बेटा सीए और सर एकदम माहौल जबरदस्त शानदार और सर एकदम पापा की बिजनेस की प्रॉब्लम सोल्व होने लग गई पापा ने बोला बच्चे ने मजा आ गया सर इतनी देर इतना मैंने इसको इग्नोर किया कोई बात नहीं बेटा होता है लाइफ में कई बार और सर पापा ने खुश होके इसको दस लाख रुपए दिए जा बेटा ऐश कर मुझे पता है पिछले चार साल तुमने सीए किया है और कुछ नहीं किया है जा मजे कर हाँ है ना और सर पापा ने इसको खुश होके दस लाख रुपए दिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बताओ उस टेन लेख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा यह सप्लाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा दिस इज माय क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको ये बताओ सप्लाई है कि नहीं सर सर आप मुझे बताओ आप तो सर सप्लाई है कि नहीं है एकदम ब्लैंक मत करो आप इस डेफिनेशन में पुट करने की कोशिश करो और बताइए क्या सप्लाई इज फॉर अ कंसीडरेशन? देखो सर्विस इज दीड कंसल्टी सर्विस इज फॉर अंसिडरेशन आवाज सबकी नहीं आ रही सर इज सप्लाई फॉर अंसिडरेशन के लिए काम किया था आपने बेटा क्या आपने पापा को फीस के लिए एडवाइस दी थी अपने किस लिए दी थी एडवाइस अपने पापा की खुशी के लिए दी थी अपने बेटा कंसिडरेशन के लिए सप्लाई नहीं किया था बेटा हाँ है ना भाई क्लियर पर सर पापा ने अपने को दस लाख क्यों दिया बेटा खुश होके दिया बेटा नोट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन है हाँ ना आपने सप्लाई किया था विदाउट कंसिडरेशन सर आपने कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया था इसलिए वो सप्लाई नहीं है और वो दस लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा बोलो यस सर आवाज सबकी नहीं आ रही सर हाँ नो no डाउट आपकी एडवाइस पापा को काम आई इसीलिए पापा ने खुश होकर दस लाख दिए बेटा बाकी बेटे तो आप पहले से भी थे बेटा अभी भी बेटा इतने तो खुश नहीं हुए बेटा क्लियर आपकी एडवाइस से खुश हुए सर इसलिए दस लख दिए सर देर वॉज अलिंक देर वॉज बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा देर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन देर शुड बी डायरेक्ट नेक्सेस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी नहीं लगेगा बोले सर क्लियर इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा इस एग्जाम्पल में बेटा क्लियर क्योंकि आपने दस लाख के लिए काम नहीं किया था सर जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बस आप अपने दिल से पूछ लेना क्या वो फीस के लिए काम किया था अगर आपको दिल के यस तो सप्लाई होगा अगर आपको दिल के दे क्या नो तो सप्लाई नहीं होगा बात खत्म बच अरे क्लियर पक्का समझे मेरी बात यस सर तो सर सप्लाई शुड बी फॉर अंसिडरेशन बेटा हायना मालिक क्लियर सप्लाई शुड बी ओके एक मिनट मालिक पता है यत्नेश्वर भाई जिंदगी की पहली एडवाइस वो भी पापा को और वो भी धमाकेदार सर सोचिए क्या कॉन्फिडेंस बड़ा होगा सर इसका यार हा है ना सर आप सोचिए सर क्या कॉन्फिडेंस बड़ा होगा सर इसका सर उस टाइम पे जॉब सर्च कर रहा था बेटा सीए बन गए साहब सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी थे बेटा आप बन गए सर उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हो बेटा सर क्या करें जिंदगी में अगला स्टेप ये था बेटा आपका ठीक है और सर जिंदगी की पहली एडवाइस हो भी इतनी धमाकेदार इसका कॉन्फिडेंस जो लेवल का बढ़ाए इसने अपना अपना कंसल्टेंसी का ऑफिस ओपन कर दिया है बेटा सर था ना सर जैसे सिंबाद सेलर अरे नाम सुना सिंबाद द सेलर ऐसे इसने अपने ऑफिस का नाम रखा क्या यत्नेश्वर द कंसल्टेंट हा ना भाई सर द कंसल्टेंट कंसल्टेंसी बिजनेस कंसल्टेंसी का इसने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया बेटा ध्यान कहानी कंटिन्यू है बच्चों सर इन्होंने अपना बिजनेस कंसल्टेंसी का ऑफिस चालू कर दिया अब इन्होंने सर तीन चार दिन हुए ऑफिस चालू किए हुए सर पापा आए ऑफिस में बोल दे बेटा यार अपनी फैक्ट्री के अंदर ये वाला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कैसे क्या क्या, क्या रखनी चाहिए आपको सर पापा ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा ये तो अपना लैपटॉप चालू करके कोई और काम करने लग गया पापा पंद्रह मिनट बैठे बीस मिनट बैठे इसने इग्नोर किया और कोई और काम करने लग गया बच्चा सर पापा को लगा नया नया ऑफिस चालू किया है कोई अर्जेंट असाइनमेंट आया होगा काम कर रहा है कोई बात नहीं थोड़ा वेट किया पापा ने पापा ने एक घंटा वेट किया फिर भी बिजी था इसने सर पापा को इग्नोर किया पापा भी पापा होते बेटा बड़े प्यारे होते बच्चा सर वो कभी नेगेटिव सोचते नहीं है उन्होंने सोचा कि ठीक है ठीक है बिजी होगा इसने पापा, पापा ने इससे पूछा बिजी है बोला हम अभी जाऊं मात बोला हाँ ओके गए पापा तो एक दो दिन बाद पापा वापस आए वापस पापा ने जैसे ही पूछना चालू किया इसने अपना लैपटॉप चालू किया और पता नहीं वहां पे कुछ काम करने लग गया बेटा अगेन इग्नोर पापा वापस है चले गए अच्छा शाम को रोज ये साथ में मिलते हैं बेटा खाना साथ में खाते हैं पर वहां पे बिजनेस की बात नहीं करते क्लियर अब सर दो तीन बार ऐसा हो गया पापा ऑफिस गए इसने इग्नोर किया पापा को समझ में आ नहीं रहा एक दिन दोनों खाना खा रहे थे बेटा शाम को इसने पापा से बोल दिया कि पापा आपका बिजनेस बढ़िया है यार आपकी फैक्ट्री है जो गुड्स खरीदेगा पैसा देगा बात खत्म हमारे कौन सी फैक्ट्री है हम तो कंसल्टेंट है हमारे पास तो टाइम है जो हमारा पैसा हमारा टाइम लेगा पैसा देगा बात खत्म पापा तो बोला हा बस इतना बोल के छोड़ दिया फिर इधर उधर की दूसरी बातें करने लगे पर्सनल लेवल पे पापा को समझ रहा सर पापा रात को न्यूज देख रहे थे बेटा सर पापा के दिमाग में चल रहा था कि यार दो तीन दिन से जा रहा हूं मैं इसके ऑफिस में और सर जब भी जाता हूँ ये इग्नोर करता है फिर आज खाना खाते वक्त बोलता है क्या जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा बाप खत्म दिमाग की बत्ती जली मतलब बेटा क्या कहना चाह रहा है पैसा मिलेगा तो काम होगा नहीं तो काम नहीं होगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा ऑफिस में पहुंच गए इसके क्यों रेतू तू क्या कहना चाह रहा था मेरे को ये बोलते है, पापा समझदार को इशारा ही काफी है <laughs> मतलब तू मेरे से फीस लेगा हाँ। तू मेरे से फीस लेगा हाँ पापा हाँ, आपने भी तो कितने कंसल्टेंट हायर किए उनको क्या फ्री में काम कराया क्या? उनको फीस दी ना मेरे को भी फीस लगेगी वरना तो काम नहीं होगा मम्मी देखो मम्मी क्या बोलती है देख पापा तो सी नहीं फिर भी इतना कमाते सी बन के क्या उखाड़ लिया मेरे को पैसा चाहिए आई डोंट केयर तू मेरे से फीस लेगा पापा हाँ फीस लूंगा बात खत्म तो ही काम करूंगा वरना काम नहीं करूंगा नहीं तो रेफर अदर कंसलटेंट्स इसको पता दूसरे काम तो आएंगे नहीं बेटा क्लियर अब पापा ने भी सोचा दूसरे कंसल्टेंट को भी फीस देना पड़ता है इसको भी दे देंगे पैसे घर में तो क्या दिक्कत है बोला ठीक है ठीक है ले लेना फीस बस पापा ले लेना लेना नहीं पहले ये एग्रीमेंट पे साइन करो क्यों मुझे बताया बचपन में आपने कितनी बार बोला खिलौने दिलाऊंगा 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 क्लियर नहीं पहले एग्रीमेंट पे साइन करो तब जाके काम होगा साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया इसने पर कॉन्ट्रैक्ट से पहले पापा ने पूछा क्या फीस क्या क्या करना है बता कैसे फीस लेगा सर इसने पूछा पापा या तो आप मेरे को असाइनमेंट वाइज फीस देना कि हर एडवाइस पे फीस अलग या साल भर का फिक्स कर दो क्या करने का पापा ने एक काम कर हेड एक फ्री रख तो तो साल भर का जितनी बार पूछूंगा उतना देना पड़ेगा तो एडवाइस में जितनी एडवाइस पूछूंगा उतनी एडवाइस देनी पड़ेगी सर फीस बोल बोल एक साथ बोल, काम खत्म कर एडवाइसर तो पचास लाख बोला क्या फिफ्टी लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस बोला पागल हो गया क्या पचास लाख कोई फीस होती है क्या बोले आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा वो देख नहीं रहे आप मेरे पचास लाख दिख रहे हैं आपको बोले 50 लाख पागल हो गया कुछ तो कम कर इसने साहब पापा के ऑफिस से ही एक बोर्ड था बेटा पापा के ऑफिस में लगा रखा था वो लेके अपने ऑफिस में लगा देता था सर इसने पापा के ऑफिस में एक बोर्ड था वहां से उतार के ये अपने ऑफिस में लाके इसने हैंग कर दिया था वो पापा को बोर्ड दिखा दिया बेटा उस पर लिखा था क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक बार्गेनिंग बंद है सर मतलब जिंदगी में बार्गेनिंग कभी नहीं करेगा बेटा हा है ना भाई सर मतलब सर पापा समझ गए कि नो बार्गेनिंग जीवन भर बार्गेनिंग ना हो पाएगी पप्पू पास ना हो पाएगा पास तो छोड़ो आसपास वालों को भी फेल करा दिया बेटा उसने तो सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस क्या बोला सर इन केस सर अब यहां पे पापा समझ गए कि बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं है है हाँ ना मालिक और सर बोल दिया क्या ठीक है साहब करो साइन पापा ने साइन किए जैसे ही पापा ने साइन किए सर इसने लैपटॉप पे पबजी खेलना बंद किया पापा के काम पे लग गया सरकार और पापा के काम में ऐसा लगा एडवाइजरी दी इसने क्या शानदार सिस्टम सेट किया पापा के बिजनेस का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया सर सिस्टम सिस्टम और सर इतना शानदार पापा का बिजनेस का कंट्रोलिंग इसने सेट किया इंटरनल कंट्रोल किए सर एक चेक के बाद ऑटोमेटिक दूसरा चेक ऑटोमेटिक मोड पे पापा का बिजनेस लिया है पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस लिया है पापा को कोई हेडेक नहीं पापा को अपने ऑफिस में बैठ के केवल मोबाइल एप्लीकेशन पे देखना है कि कहां पे क्या काम चल रहा है क्या रिपोर्टिंग है सब उस पर दिख जाएगी सर इनको कहा काम अटकावा है कहा क्या करना है सर ऑटोमेटिक पापा का बिजनेस पूरा टेंशन फ्री माहौल जबरदस्त <coughs> माहौल जबरदस्त शानदार कर दिया और छह महीने में पापा का बिजनेस जो मल्टी प्रॉफिट में चला गया सर मजा आ गया सर छह महीने बाद इसने अपने ऑफिस से किसी सर टीम मेंबर को भेज के बिल भेज दिया फिफ्टी लाख प्लस जीएसटी का है हाँ ना सर पापा ऑफिस में बैठे थे बेटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सर वो पर्सन गया ऑफिस वाला सर यतेंद्र सर ने बिल भेजा है बोला कौन सा बिल बोले ये फिफ्टी लाख प्लस जीएसटी का कंसल्टेंसी का बिल भेजा है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका बोले ठीक है रखो टेबल पे रखा पापा वापस है पेपर पढ़ने लग गए वो पर्सन वही बैठा है वही खड़ा है वहां पर थोड़ी देर बाद देखा अरे क्या हुआ बोले वो बिल रख दिया ना चल निकल क्लियर वो निकल आया बेटा ये तंदर ने पूछा क्या हुआ उसने बोला मैंने बिल दिया अंकल ने निकल 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 आया बोला ठीक है कल वापस जाना और पेमेंट लेके आना नेक्स्ट डे गया अंकल वापस है पेपर पढ़ रहे थे सर हाँ है ना सर अंकल ने बोला आ, अब अंकल पेपर पढ़ रहे थे सर उसने पेपर नीचे किया अंकल पेमेंट बोला कौन सा पेमेंट वो बिल दिया था ना आपको उसका पेमेंट बोला हाँ देता हूं क्लियर सर हाँ देता हूं बस वापस अकबर वापस अंकल क्या करने लग गए पेपर पढ़ने लग गए वो बंदा अभी भी खड़ा बेटा थोड़ी देर बाद, बाद वापस पूछता है अंकल पेमेंट चाहिए बोले पेमेंट चाहिए ये ले मिला चल निकल वो ये तंदर जी के ऑफिस पहुंचा ला लाया पेमेंट बोला पेमेंट लाल देखो सर और इसमें बोला क्या हुआ बोले पापा अंकल ने मारा बोला कोई बात नहीं चिंता मत कर कल वापस जाना कभी कभी मूड खराब होता है मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है सर कल वापस मैं नहीं जाऊंगा बोला कोई बात नहीं चल मैं ही खुद ही बात करूंगा साहब तीन चार दिन बाद ये खुद गया सर पापा को भी पता है कि ये क्यों आया इसको भी पता है कि पापा को पता है कि मैं क्यों आया पर यू तो ना शर्म आती ना बड़ा यार तो इसने सर बोला नहीं पेमेंट की बात छेड़ी नहीं सर फिर लास्ट में सब इधर उधर की बातें कर ली फिर लास्ट में बोलता क्या पापा वो वो ऑफिस से बंदा आया था वो बिल दिया होगा उसने हाँ दिया था पापा वो पेमेंट करा दो ना बोला हाँ करा देंगे पापा हाँ करा देंगे क्या कर दो ना पेमेंट हाँ कर देंगे अरे हाँ हाँ क्या होता है पेमेंट चाहिए नहीं मिलेगा नहीं कोई बात नहीं पापा बाद में दे देना बाद में भी नहीं मिलेगा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कर दिया पापा मेरा पैसा नहीं रहा तेरा आप ऐसा नहीं कर सकते हो गया ऐसा एक रुपया नहीं मिलेगा और पापा ने पूरा बेडडप कर दिया बोला आप ऐसा नहीं कर सकते क्या कर लेगा मम्मी बोलेगा ऐसा बोल दे और एक रुपया नहीं मिला पूरा बेड पूरा पचास लाख पापा खा गए बताओ सप्लाई है कि नहीं है क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको ये बताओ सप्लाई है कि नहीं है एक रुपया नहीं मिला मालिक रुपया नहीं मिला बताओ सप्लाई है कि नहीं है इज इट फॉर अ कंसिडरेशन नॉट आवाज नहीं आ रही सर इज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट सबकी आवाज नहीं आ रही सर yes. क्या आपने जो एडवाइस दी थी क्या वो एडवाइस वॉज फॉर अ कंसिडरेशन क्या आवाज नहीं आ रही है वॉज दैट एडवाइस फॉर अ कंसिडरेशन यस वो सप्लाई कंसिडरेशन के लिए थी कंसिडरेशन के लिए थी मतलब सप्लाई थी अब सर कंसिडरेशन आए या ना आए वी डोंट केयर दैट सप्लाई वॉज फॉर अ और अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है तो सप्लाई है सप्लाई है तो क्या लग गया बेटा जीएसटी मम्मी से लोन लेके जीएसटी पे करना पड़ेगा पर पे करना पड़ेगा सर भले वी डोंट केयर मतलब क्या है आप दोनों एग्जाम्पल देखिए बेटा सर हंसी मजाक वाले एग्जाम्पल थे पर बहुत नेक्स्ट लेवल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है अब सुनना मेरी बात ध्यान से इसका मतलब क्या है फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में जब हमने बात करी वह दस लाख रुपए मिले थे फिर भी वो सप्लाई नहीं था सेकंड केस में पचास लाख नहीं मिले फिर भी वो सप्लाई है मतलब केवल पैसा रिसीव हो रहा है या नहीं रिसीव हो रहा उसको देख के आप भी डिफाइन नहीं कर सकते कि सप्लाई है कि नहीं है केवल बैंक अकाउंट देख के आप ये नहीं बोल सकते जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा क्योंकि दस लाख जब बैंक में आए कोई जीएसटी नहीं पचास लाख बैंक में नहीं आए तो भी जीएसटी है बेटा

दस लाख का कोई बिल इशू नहीं हुआ सर वो गिफ्ट था बेटा क्या था बेटा वो गिफ्ट था दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल सो आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा हर एक कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा हर एक एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा सर पूरे कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल को ट्रांजेक्शन एज अ होल को जब आप चेक करेंगे तब समझ में आएगा कि सप्लाई है कि नहीं है भारत माता की जय क्लियर समझे मेरी बात पक्का डन तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर सप्लाई शुड बी फॉर अंसिडरेशन ठीक है अभी मैं दो तीन क्वेश्चन सुनना बात को से आंसर देना मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए क्लियर पापा रॉक बेटा शॉक सरकार पॉइंट समझ में आपको मेरा ओके सर in case ऑफ जीएसटी क्या बोला सर <coughs> मान लो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं बेटा आराम से जल्दी तो नहीं बेटा आपको अपने बिल्कुल भी नहीं बेटा कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर वहां पे गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट होता है वहां पे सर कई सारे जन कल्याण के काम होते हैं सर जनता सेवा के अच्छे से काम होते हैं आप उनसे बड़े इंप्रेस हुए आपने वहां दो लाख रुपए डोनेशन दिया बेटा हाँ है ना भाई ना। क्लियर बताइए सर या किसी मंदिर में 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 सर में, सर मस्जिद गुरुद्वारा में, या किसी चर्च में आपने दो लाख रुपए डोनेशन दिया बेटा बताइए क्या जीएसटी लगेगा क्या भगवान को फीस है भगवान इस बार तो पास कर ही देना फीस एडवांस में इज इट अ अंसिडरेशन आवाज ओए। कोई सप्लाई नहीं है चलिए सर कई बार आप देखना सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मंदिर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह कहीं पे भी आप डोनेशन देते हो ना बेटा तो कई बार क्या इनके पे बोर्ड लगा होता है बेटा बोर्ड कि किस किस ने डोनेट किया बेटा होता है ना सर कई बार या कई बार क्या होता है कमरे के बाहर सर लिख देते हैं ऊपर एक मार्बल का स्लेब लगा के कि सर रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम क्लियर क्या नाम सर धीरज भाई अ सम ऑफ रुपीज टेन लेख इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर धीरज मेमोरी क्या बेटा सर सुन इन द मेमोरी ऑफ धीरज की बेटा ना क्लियर तो सर सरकार मान लो इधर ध्यान बेटा सर दस लाख रुपए आपने डोनेशन दिया दो लाख रुपए आपने डोनेशन दिया और सर वहां लिखा क्या कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद

हाँ है ना भाई क्लियर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपसे कांटेक्ट किया कि अगर आप हमको दस लाख रुपए देते हो तो हम आपके प्रोडक्ट का सर जो पोस्टर होता है वो हमारे मंदिर के गेट के यहाँ लगा देंगे इसका आपका जोरदार वाला मार्केटिंग हो जाएगा सर हा भाई पर अगर ऐसा करवाना है आपको तो सर दस लाख रुपए देने पड़ेंगे सर आपको तो ऐसे केस में आपने दस लाख रुपए का डोनेशन दिया उसने क्या लिखा दस लाख का डोनेशन है सर आपके लिए हमें मार्केटिंग करेंगे अब मुझे बताओ सर ये दस लाख सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर आएगा। आवाज नहीं रही ये सप्लाई के स्कोप में आएगा सर क्यों आएगा बेटा क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वॉज अंडर ऑब्लिगेशन टू तो डू मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस हा ना भाई क्लियर और उसके लिए आपने फीस दिया है

ट इज अंडर ऑब्लिकेशन टू डिस्प्ले योर नेम ऑफ द बिजनेस टू प्रमोट द बिजनेस तो ऐसे केस में वो कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन है तो क्या लगेगा बच्चे जीएसटी हा है ना मालिक क्लियर पक्का बच्चो डन तो सर देन देना बेटा केवल नाम डोनेशन लिखने से वो डोनेशन नहीं होता है दिखावे दिखावे पर मत जाओ अपनी अकल लगाओ क्लियर समझे मेरी बात तो सर दो लाख रुपए जो आपने डोनेशन दिया था वो सप्लाई नहीं है दस लाख रुपए किया सर ये सर्कुलर सर, मैंने पढ़ाया है नहीं है आपने सोल्व किया है बेटा आंसर मैंने नहीं दिया है आंसर आपने मुझे बताया है अब आप मुझे बताओ जब आप सर्कुलर सोल्व करोगे तो क्या कभी याद करना पड़ेगा बेटा आपको एंड दिस वॉज क्वेश्चन सी ए फाइनल बेटा एग्जाम का बेटा आपने आंसर दिया बेटा अभी क्लियर चलिए एक और क्वेश्चन में आपके लिए बेटा मजा आ रहा है बेटा अभी आपको सर पढ़ाई कैसे करते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस yes. सरकार एक और क्वेश्चन मेरा आपके लिए मान लो गुड मान लो मैं कौन हूँ बेटा एक आर्टिस्ट सर क्या बनाता हूं बेटा मैं? पेंटिंग मतलब इतनी शानदार पेंटिंग बनाता हूं बेटा कोई देख ले दिमाग खराब हो जाए बेटा उसका सर मजनू भाई हा है ना क्लियर सर उससे भी खतरनाक पेंटिंग बेटा सर न बात ध्यान से सर अब जो मैंने पेंटिंग बनाई है क्या बनाई मैंने पेंटिंग्स अब सर मान लो सर क्या नाम आर्यन आर्य सर आर्य भाई ये <coughs> सर आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे बेटा एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे जिसमें बहुत सारी पेंटिंग हैंग होगी सर वहां पे, जो भी आर्ट लवर होंगे सर सर वो सब वहां पे पेंटिंग देखने आएंगे हाँ है ना भाई सर वहां पेंटिंग देखने आएंगे अगर किसी को पसंद आएगी तो पेंटिंग खरीदेगा नहीं आएगी तो ताली बजा के निकल जाएगा बेटा हाँ, ताली बजाना ना ऑप्शन है बेटा सर बात को ध्यान से सरकार मान नहीं नहीं इतनी ताली ना बजा बेटा कभी आदत पड़ गई जाएगी बेटा सर सुनना बात को ध्यान से।, से सर सुनर सर अब अरे भाई आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अब सर इनके में अलग अलग आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैंग है। इन्होंने मुझे पेंटिंग किया कि मंगल आपके बिना एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज ना हो पाएगा जिस एग्जीबिशन में आपकी पेंटिंग नहीं वो एग्जीबिशन एग्जीबिशन ही नहीं सर इन्होंने मेरे को बोला वहां पे आपको हंड्रेड पेंटिंग भेजनी है सर क्लियर भेजनी है

बताओ यहां से आर्ट एग्जीबिशन जब वो आर्ट वर्क जाएगा क्या वो सप्लाई है यहां से केवल वहां जा रहा है एग्जीबिशन के लिए क्या वो सप्लाई है नहीं देख अभी केवल जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा वहां पे सेल होगा नहीं होगा बात की बात है बेटा यहां से वहां जा रहा है क्या वो सप्लाई मैंने इसको बेचा है सर मैंने इसको बेचा नहीं है वहां एग्जीबिट होगा लोगों को पसंद आएगा तो बात अलग है बेटा क्लियर अभी कल जा रहा है क्या सप्लाई है नहीं ये सप्लाई नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर जब वहां पे पर हाँ ना भाई तो जब 99 पेंटिंग बिकी होगी तब तो रेस्पेक्टिव पेंटिंग बिकी होगी मैंने बिल होगा रेस्पेक्टिव पेंटिंग बिकी होगी मैंने बिल लिखा होगा हो हो वो सप्लाई के स्क्रिप्ट में आया बेटा पर यहां से जब सो पेंटिंग वहां जा रही है वो सप्लाई नहीं है क्लियर आई होप समझ में आया बच्चा आपको आवाज नहीं आ रही अगेन दिस वॉज अरे क्लियर समझे मेरी बात पक्का पक्का सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों हाँ है ना भाई क्लियर देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन बेटा जैसे पापा ने खुश होकर दस लाख दिए थे बेटा

अरे क्लियर सर सुनना बच्चों ध्यान से आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया दस लाख रुपए का डोनेशन दिया और सर डोनेशन क्यों दिया बेटा उसकी कोई बिल्डिंग बन रही थी बेटा तो होता ना कई बार बिल्डिंग बनती है कोई अच्छा काम होता है बेटा हम लोग क्या करते हैं डोनेशन देते बेटा क्लियर जैसे राम मंदिर जो बन रहा था देश भर से डोनेशन आया उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बच्चे क्लियर तो वहां पे हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन डोनेशन दिया बेटा कि इस डोनेशन को इसी पर्पज में यूज किया जाए बेटा तो क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको कोई सर्विस दे रहा है क्या बिल्डिंग बनाने की सर्विस दे रहा है है उसके लिए आपने फीस दिया क्या नहीं तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ या डोनेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई फीस दिया बेटा स्टिल इट इज अ डोनेशन ओनली कोई सप्लाई नहीं होता है कोई जीएसटी नहीं लगता बेटा है हाँ ना भाई क्लियर देर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन कि सर आप सर ऑब्लिगेशन मेरे पे है कि सर मैं काम करूंगा तो ही पैसा आपको मिलने वाला है बेटा क्लियर तो ऐसे केस इसमें वो सप्लाई होगा अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा बोले सर क्लियर डन चलिए सर।, सर एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बेटा मान लो बहुत अच्छा बेटा सर क्या नाम बेटा करण सर करण भाई ने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा किसके लिए बेटा पैसे के लिए और किसके लिए बेटा किसके लिए कौन है ये सर सुनना बात ध्यान से बेटा इसने पैसों के लिए बेटा क्या किया बेटा पैसों के लिए, लिए ज्वेलरी बेच दी बेटा पैसों का क्या करेगा उससे मतलब नहीं बेटा आपको सर उसकी पंचायत अपने वो नहीं करनी चाहिए बेटा सर वो इसका पर्सनल रिकॉर्ड है बेटा हाँ है ना भाई इसने तो अपने घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा सर फॉर अ कंसिडरेशन पांच लाख रुपए में घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर सप्लाई ल ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स बायर्सन फॉर अंसिडरेशन हाई ना भाई बट इट शुड बी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा क्या आपने जो ज्वेलरी बेची क्या ज्वेलरी बेचना आपका बिजनेस है क्या इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ज्वेलरी बेची बेटा नहीं क्लियर इसलिए सप्लाई नहीं है वरना सोचिए आप घर की रद्दी बेच रहे हो बेटा कोई मम्मी को जीएसटी पे करना पड़ जाएगा बच्चा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा बच्चा हा है ना भाई क्लियर क्लियर इसीलिए इसीलिए सर जीएसटी इज चार्ज ऑन बिजनेस इसलिए सर अगला पॉइंट क्या बेटा इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा हाँ है ना भाई क्लियर तो आपने जो मुझे आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर था बेटा क्योंकि आपने केवल कंसीडरेशन तक पढ़ा था बेटा ठीक है अब उसके अगले स्टेप आ गए क्या इट शुड बी इन दी कोर्स और ऑफ बिजनेस यस अग्रीड बट इट शुड बी इन दी कोर्स और ऑफ बिजनेस तो सप्लाई होगा सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी नहीं लगेगा अच्छा इन दी कोर्स और ऑफ बिजनेस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरस ऑफ बिजनेस अब कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को अलग से डिफाइन नहीं किया बेटा पर कॉमन पैलेंस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग में समझना पड़ेगा कि बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए बच्चा अच्छा आप अगर एक ज्वेलरी का शोरूम होते बेटा और ज्वेलरी के शोरूम वाले ने ज्वेलरी बेची बेटा तो तो सप्लाई है जीएसटी लगेगा बिजनेस के लिए बेटा हा अच्छा सर आपने अपने बिजनेस के असेट्स को बेचा होता वापस समझना ध्यान से जैसे एक तो अकेडमी ने कोचिंग क्लास प्रोवाइड करती बेटा ये यशवन मंगल क्लासेज वाई एम कॉन्सेप्टॉट कॉम ये कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते बेटा इन्होंने अपना पुराना एसी बेच दिया बिजनेस कैसी ऑफिस कैसी बेटा कैमरा बेच दिया नया कैमरा ले आया बेटा। लिया हाँ है ना मालिक सर ये बिजनेस का असेट है इनका तो बिजनेस के असेट को बेचना भी बिजनेस होता है बेटा हा है ना भाई क्लियर सर तो यहाँ पे ये सप्लाई के स्कोप में आएगा पर अगर आपने आपके घर की पर्सनल ज्वेलरी बेची है घर की पर्सनल कार बेची है कोई गुड्स पर्सनल अपने बेच दिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे इट शुड बी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना भाई क्लियर चलिए एक एग्जाम्पल और देता बेटा मैं मान लो माल आपने अपने घर की पर्सनल पेंटिंग कोई थी बेटा जो पुरानी दादाजी ने लाके रखी हुई थी बेटा बेच दी बेटा है हाँ ना भाई तो सर पुरानी पेंटिंग अगर आपने बेच दी तो वो भी क्या है बेटा सर इट इज फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट इन दर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा बट यही पेंटिंग आपने बना के फिर बेची हुई थी बेटा पेंटिंग बना के बेची हुई थी तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लग जाएगा बोले या सर। अच्छा, चलो एक लास्ट एग्जांपल मान लो मैं कौन हूं बेटा सर अकाउंटेंट बेटा क्या करता हूं बेटा मैं पढ़ाता हूं बेटा पर कभी कभी साल में दो तीन पेंटिंग जब मूड अच्छा होता बना देता हूँ बेटा मैं और पेंटिंग बना के बेच देता बेटा मैं उनको दो दो लाख रुपए आते हैं एक पेंटिंग पेंटिंग के बेटा हाँ, इतनी पेंटिंग बेटा इतनी दिमाग खराब <laughs> क्लियर सर बताओ मैं एक सीए हूं बेटा साल में एक दो पेंटिंग बना लेता हूं दो तीन पेंटिंग बना के बेच देता हूं बेटा बताओ बिजनेस के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर सर आएगा क्लियर सर ध्यान बेटा पेंटिंग बना के बेच रहा हूं ना बेटा और बेच रहा हूँ ना बेटा मैं पैसा आ रहा है ना बेटा यार ये सर क्यों बना के बेच रहा बेटा अगर शो होता तो बना के रख लेता बेटा खुद के पास हाँ है ना तो भले ही मेरे बिजनेस में वॉल्यूम हो या ना हो भले ही मेरे बिजनेस में फ्रीक्वेंसी हो या ना हो भले ही मेरे बिजनेस में रिपीटेटिवनेस हो या ना हो उसे फर्क नहीं पड़ता सर अगर मैंने पेंडिंग बना बेची है, तो के बेची तो सप्लाई के स्कोप में आएगा बिजनेस के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा हाँ, यही चार्टर ने अपने घर की पुरानी पेंटिंग बेची होती तो सप्लाई में नहीं आएगा क्योंकि वो पर्सनल गुड्स हो गए बेटा हा है ना तो सर आपको हर चीज को फील करके समझना पड़ेगा बेटा मैं तो कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं बेटा आपको आपका माइंड ओपन करने के लिए बेटा Clear? और ये के थ्रू क्या क्या होगा? आपका आपका माइंड ओपन हो जाएगा। आप आप अब करने लगेंगे? सर 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 सोचने सर, आपका इसको सोचने सोचने पे। पे बढ़ गया का बेटा। और दे पाएंगे। पर सोच आंसर आंसर दोगे तो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा बच्चों। अरे येगा नंबर ए खत्म होता है सर. एक बार बस पूरा बोल दो बच्चा में क्लियर सुना बात ध्यान से मजा आया कि नहीं आया भाई क्लियर सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वॉट गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच सप्लाई आर मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अंसिडरेशन इन दर्स और फॉर्द ऑफ बिजनेस तो सप्लाई वरना सप्लाई नहीं है शायद मजा आ गया बेटा आपको हा भाई क्लियर सर ऐसे होता है ऑपरेशन एक एक वर्ड का बेटा क्लियर इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस तब जाके वो सप्लाई सप्लाई होगा वरना नहीं होगा ये था सेक्शन सेवन सब सेक्शन नंबर नंबर ए मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच सर मजा गुड ये खुशी मिलनी चाहिए सर पढ़ने के बाद बेटा थैंक यू सो मच मिलते हैं ब्रेक के बाद जो भी वीडियो क्लास में बेटा इफ यू वांट टू हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड यू कैन ठीक है मैं नोट्स वैसे आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा बेटा मैं यशवंत मंगल नाम का भी टेलीग्राम चैनल है उसमें भी भेज दूंगा बेटा मैं सर यही तो लिखा मैंने कुछ लिखा नहीं गया बेटा खास सरकार आई होप मजा आया बेटा आपको क्लियर चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच माहौल जबरदस्त शानदार